कीवीनामा भाग 16 सरीदा पंजाबी रेडियो अते गांधी बनाम भगत सिंह 23 जून 2009 सवेर हुई। पूरब दी कुट चों सूरज दा चानन उग रहा सी। पौ फटाले दी सुत नींदी जाग नाल मैनू वारस शाह दीआं सत्रां याद आउण लगियां। चिड़ी चूक दी नाल जा तुरे पांदी पईआं दुध दे विच मदाणियां नी। प्यार नाल सुणिया सचमुच नेड़े किते सरी दीआं चिड़ियां चहक रहीआं सन। मदाणियां दी बजाए ट्रकां दी रफ्तार सी। काम ते जा रहे कैनेडियन बशिंदियां दीआं कारां दी घुमकार सी। खैर अपना नाश्ता पानी करके असी गड्डी दा मूँह रैड एफ एम दे स्टूडियो वाल कर दिता। मई 2005 दी फेरी दौरान मैं इत्थों दीआं पंजाबी अखबारां च छपदियां फटे चक सुरखियां ते धरती तक मेल वालियां मशहूरियां वेख गया सां। ते हुण 4 साल बाद रेडियो वाले मित्रां दे रूबरू होण दा सद्दा सी। मोटे तौर पर कैनेडा अमरीका दा इलैक्ट्रॉनिक ते प्रिंट मीडिया दा तोरी फुलका स्थानक खबरां दी बजाए देसी खबरां दे सिर ते चलदा है। मशहूरियां किवें करदे ने लो पढ़ो। कारयार्ड वाले आखणगे नवी वोटी वर्गियां लिश लिश करदियां गड्डियां लई सानूं संपर्क करो। दूजा आखदा है हुण मामियां नूं मामे टकरनगे, भाव जे पुलिस ने तुहाडा चलान कटता ते वकील बहस करके या कानूनी नुक्ता विखा के चलान दी राशि कट करवा देणगे। लो अखबार दी सुर्खी पढ़ो, फलाने गुरद्वारे विच फलाने साध दा दीवन ठुस, या फलाने धार्मिक अदारे चो कड़म चौधरियां दा घोगा चित। सो सौदा वेचण दे मारे पता नहीं केड़े केड़े लफ्जां दा खड़ाक करी जांदे ने। खैर गल पासा पलट गई, मुड़ रेडियो दे टॉक शो हरजिंदर थिंद शो विच हाजरी लगवाउने आ। रैड एफ एम रेडियो ने समाजिक तौर ते आपदी चंगी पैठ बनाई है। कुलविंदर संगेड़ा ते अमरीक चीमा दी म्यूजिक वेव्स कंपनी भी सफलता दे नाल स्थापित कर ली है। टीम विच बलजिंदर अटवाल वर्गे पेशकार भी ने। जग जीउंदिआं दे मेले ते अपनी बोली अपना माण वर्गियां महंगीआं पंजाबी फीचर फिल्मां इसे टीम ने बनाईआं ते वेचीआं। थिंद साहब दा पिछोकड़ पिंड रशीन ढुड्डी के कॉलेज नाल जुड़िआ है। एक टीवी शो देश परदेस भी होस्ट करदे ने। सोना ने अपने चिर परिचित अंदाज विच पेश करदिआं मेरा तुआरफ कराया ते उपरंत मेरी जिंदगी दे हुण तक दे सफर तों लै के न्यूजीलैंड वसदे पंजाबीआं दी बात पाई। परदेसी प्यारिआं दीआं फोन कॉलां आण लगियां। आस्ट्रेलिया च भारतीय विद्यार्थियों ते नस्ली हमलिआं बारे सवाल जवाब होण लगे। लगभग 1 घंटा हो गया इस दौर नूं चलदिआं तक फोन आया, आखे जी मैं टांडी मंगता बोल रहा। खैर उस सज्जन दे सवाल दा भी मैं बणदा सरदा जवाब दिता। रोमी गिल दे देहांत बारे भी इत्थे पता लगा। उपरंत रैड एफ एम दी टीम तो मूँह भरी विदायकी लई। कैनेडा दे इस सुरीले शहर दे विच जी आया नूं प्रवान करदिआं किन्ने अनसुने ते अनदेखे चेहरिआं दे प्यार दे नाल सरशार होया मैं मनिंदर गिल होरां दे 24 घंटे दे रेडियो इंडिया वल वध रहा सां। पर मेरे दिमाग विच टांडी मंगता नां दा स्रोता खलल पा रहा सी। परदेसी पंजाबियों दे मूँहों यह तो सुनिया सी कि मैं आ नहीं करना मंगता, मैं वह खाना मंगता, मैं यारी तोड़नी मंगता। पर इस भद्दर पुरश ने अपना तखलस ही मंगता रखे। काले कदमी मैं ते करण सिद्धू भी रेडियो इंडिया दे करता तरता मनिंदर गिल होरां दे दफ्तर पहुंचे। कोई समा सी कि स्थापित कलाकारां तों लैके नवें पूर दे कलाकारां नूं मनिंदर ने प्रमोटर दे तौर ते विदेशां दे झूटे दवाए। पर अजकल ये रेडियो की दुनिया विच मस्त है ते कामयाब भी है। जतिंदर बनवैत, गुरप्रीत, दर्शन गिल ये सब पेशकारी दे रूहे रवां ने। गुरप्रीत होरां दे लाइव शो दौरान गैर गंभीर बहस हुई। उगे इतिहासकार सोन सिंह पुन्नी होरां ने फोन करके थापड़ा दिता ते न्यूजीलैंड तों जाके भारत की आजादी विच जूझण वाले बहादुरां दा चेता करवाया। खब्बे पक्षी विचारधारा ते गांधीवादी स्रोते आपो अपने दृष्टिकोण तो इतिहास का पहिया घुमाउंदिआं मैथों सवाल पूछण लगे। सारा कुछ हल्की भावनात्मक तंद नाल बच्चा होण करके माहौल विच तर्क जरूर सी पर तलखी नहीं सी। टाइम्स ऑफ इंडिया वर्गे अदारे तो तजर्बा प्राप्त कुरक्षेत्र वाले वीर गुरप्रीत ने अंत विच तोड़ा झाड़दिआं गल मकाई कि गांधी ते भगत सिंह दोवें पढ़न योग ने। अध्ययन ते बहस लई समां वध चाहीदा। व्यक्तिगत तौर ते मैनूं काफ़ी चुनौती भरे सवाल लगे
पर सिख्या बड़ा कुछ। जिवें इत्थे रहिंदिआं तुहाडे तों सिख्या। कैनेडा विच कई वरिआं तों पंजाबी भाषा दे झंडा बरदार साधु बनिंग, चेतना प्रकाशन वाले सतीश गुलाटी, ट्रांसलेटर बलराज चीमा, साहित्यकार दर्शन गिल दुपहर दे खाणे लई ठेठ पंजाबी ढाबे वर्गे रेस्टोरेंट विच इंतजार कर रहे सन। इन्हें नूं मैं ते गुरप्रीत गदर पार्टी दे सूरबीरां दी चर्चा करदे आण शामिल होए। साहित्यकारां दा ते फिर मित्रों अपना एक वखरा अंदाज हुंदा है, गल करन दा, गल सुनन दा ते गल चुनन दा। खैर, दर्शन गिल साधु बनेंगाल ने मैनू नाचीज नूं अपनियां लिखतां दे तोहफे भी दित्ते। स्वादलियां मुलाकातां दी लड़ी समें दी घाट कारण अध विचालियां तोड़नी पई। गुरप्रीत आखण लगा, परमिंदर जी, एक फोन टांडी मंगते दा आया सी, तुहाडा प्रतिक्रम बड़ा वाजब सी, मैं थुरिया ना गया ते पुछ बैठा भी आखरे बंदा कौन है। गुरप्रीत दा जवाब सी, ये बंदा भोगपुर इलाके दा है, साडे हरेक टॉक शो च सवाल जवाब करदा है, पर पता नहीं क्यों सचमुच मांग के खांदा है ते स्पष्ट तौर ते आपदे आप नूं टांडी मंगता कवांदा है। विचाले गुरप्रीत नूं फोन आ गया ते मैं सोच रहा सी कि नवें शोर भावें दिहाड़ी च 100 वार मंगदा लफ्ज़ वरतदे होणगे, पर आ कि पंजाबी तां कदे मंगते नहीं बणे। मंगणा उहनां दे सुभाअ ते फिट ही नहीं बैठदा। उह कमाउंदे ने, चुकदे ने, खोंदे ने, पर मंगदे नहीं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह होरे भी लिखिया सी कि फोन मारन दी गल समझ आउंदी है क्योंकि इतिहासिक मार धाड़ ने सानू इदां दे बणा धरिया। आपां मैणे मारदे आ, गप्पां मारदे आ, मगज़ मारदे आ, इसे करके फोन करन दी थां फोन मारदे आ। थोनू भी अजीब लग्या होएगा टांडी मंगते बारे जाण के। होर भी भरम टुटे। प्रोफेसर कपूर होरां दे आखण वांग एक हथ नाल दो हदवाणे चुकणे किते सौखे ने। प्रवासियों की मानसिकता, मेहनत, हेरवे, शरीकेबाजी ते चौधरपुणे नूं महसूस करना ते कागज़ां राहीं तुहानूं दसना किते ना किते मेरे निज नूं जज्बाती कर जांदा है। 24 जून बुधवार सरी दे लागले इलाके च कैनेडा अमरीका की सरहद देखण जाण दी योजना सी। हल्के हल्के मीह ते सुहावनी हवा का आनंद हासिल करदिआं नस्लां, कौमां, फिरकियां तों उपर सांझी इंसानियत दे चश्मे नाल कुदरत दे रंग देखता रहा। की पता सी कि कल नूं अनगिनत गैर कानूनी दाखले दे चावान पंजाबी गभरूआं दे हौके नाल गड़ुच सरहदी पाणियां नूं सामने खलो के पुछांगा, की कसूर सी मेरे देसी भाई बंधां दा जो तुहाडी विशालता ने उहनां नूं पार नहीं लंघन दित्ता। पाणी ख्वाजा देवते नूं नतमस्तक हुंदियां, विछड़े वतन विच पुत्रां लई अरदासां करदियां उहनां मावां ते की बीती होवेगी। सावे अक्स विच छपिया इन्हां सत्रां दे नाल इजाजत दिओ। उहदे सुपने च सहां पिंजरे दिसते रहे राती, परिंदा पर लोहा आया किसे परवास तो पहला, बड़ा कुछ वक्त ने लिखिया मेरे तन ते मेरी रूह ते, तुसी मैनूं पढ़ लैणा मेरे इतिहास तो पहला। इह सी कीवीनामा भाग 16। अगला भाग अगले एतवार। Subscribe now and press the bell icon.